तो आप लोग परफेक्टली दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने अपने कैप्टन्स का भी चुनाव कर लिया होगा। यस सर। यस सर। तो मैं आपके कैप्टन्स को यहाँ बुलाना चाहूँगा, वह इधर आए हैं। टीम बी का कैप्टन इधर, टीम ए का कैप्टन इधर। अब मैं टॉस करने जा रहा हूँ, जो कि ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन किस बॉक्स में से अपने छात्र के नाम निकालेगा। टीम बी ने टॉस जीत लिया है और अब आप अपना बच्चे का नाम करिए। मास्टर हरप्रीत सिंह, आपका नाम सबसे पहले आया है, अब आइए। आपको एक प्रश्न निकालना है प्रश्न बॉक्स में से। जो भी प्रश्न संख्या आएगी, प्रश्नों का संख्या जरूर है इसमें, प्रश्न मेरे पास है जिसकी जानकारी आप में से किसी को नहीं है, उस प्रश्न को ऑक्शनिंग आउट के लिए छोड़ा जाएगा, बिडिंग के लिए छोड़ा जाएगा। तो लेट अस सी, आप अपना नाम की पर्ची उसमें निकाल लें। प्रश्न संख्या 9, इसको मैं ओपन बिडिंग के लिए छोड़ता हूं। लेट अस स्टार्ट द बिडिंग। फाइव फाइव, पांच एक, टेन एक, 52, नहीं अगर 65, 65 वन, 65 टू, चांस है अभी आपके पास 65 3। मास्टर हरप्रीत, आपको क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है, जो कि इस प्रकार है। उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत की एक डिमेरिट कमी। सर, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। Are you sure? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. पक्का? पक्का। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हरप्रीत ने सही जवाब दिया है? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. देख लो, नुकसान हो सकता है टीम को। लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और इस प्रकार टीम ए को मिलते हैं 65 पॉइंट। पूरे 65 पॉइंट टीम ए को मिलते हैं। तो स्कोर बोर्ड ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट राउंड में अभी तक टीम ए को मिले हैं 65 पॉइंट, टीम बी को अपना खाता खोलना बाकी है। अब आप लोग जा सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टीम ए, आप अपने पर्ची निकालिए। आशी कौर, आप इस तरफ आइए, क्वेश्चन बैंक में से अपनी प्रश्न संख्या निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके हिस्से में आया है। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को मैं ओपन बिडिंग के लिए आप सबके पास छोड़ता हूं। टीम ए से यहां बिडिंग स्टार्ट होगी। स्टार्ट। 10.1, 50 एक, 50.51, 7 एक, 65 1, 65 2, 65 3। क्वेश्चन नंबर 7 है एक प्रतिस्थापन वस्तु और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल देना है। yes, प्रतिस्थापन वस्तुओं का एक पेयर, एक पेयर पूरक वस्तुओं का। सर, प्रतिस्थापन वस्तु चाय और कॉफी और पूरक वस्तु पेन और साइन। क्या इनका जवाब आप लोगों को उचित लग रहा है? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Are you confident? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. इनका जवाब पूरी तरह ठीक है और इनको एक बार फिर टीम ए को 65 पॉइंट मिलते हैं। आप देखिए टीम ए के हो गए हैं
130 पॉइंट, और टीम बी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। नाउ इट टर्न्स वंस अगेन टू टीम बी। अब आप जा सकती हैं, पिक अप द स्लिप फ्रॉम योर पापा जी। अपूर्वा चौधरी, पिक अप द क्वेश्चन नंबर। और आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 38 का। आप तैयार हैं? लेट अस स्टार्ट रीडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 38 विद रिस्पेक्ट टू अपूर्वा। 30 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट। 40.1 पचास एक 60 अस्सी एक 82 90.1 एनी अदर कोई और 90.2 90.3। आपको जवाब देना है क्या एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। मैं इसको पॉइंट मेथड से आपको समझाना चाहूंगी, फिगर के माध्यम से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा डिमांड कर्व है। टीडी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट होता है। बिल्कुल सही कह रही है। अभी तक सबसे पहले हम इस बिंदु पर देखना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा ईडी क्या है। यहाँ पे हमारा अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट एबी है। और अपर सेगमेंट जीरो है, इसलिए यहाँ इस पॉइंट पे हमारा ईडी इनफाइनाइट होगा। अब हम इस बिंदु पर देखेंगे, यहां पर लोअर सेगमेंट हमारा होगा जीरो और अपर सेगमेंट होगा ए बी। इस स्थिति में यहां पर हमारा ईडी जीरो होगा। इसके अतिरिक्त अगर यहां पे हम कोई मिड पॉइंट लेते हैं तो मिड पॉइंट में हमारा लोअर सेगमेंट भी वक्त लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट सेम होंगे, इसलिए यहां पर हमारा ईडी वन होगा। और अगर इन दोनों के बीच कोई बिंदु है तो वहां पे ईडी हमारा ग्रेटर देन वन होगा। अगर इन दोनों के मध्य कोई बिंदु है तो यहां पे हमारा ईडी लेस देन वन होगा। प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच अलग अलग होती है। तो आपको लगता है आपने सही डायग्राम बना लिया है? सर स्लिपिंग वगैरह की जरूरत है? यस, क्योंकि 90 पॉइंट का मामला है। 90 पॉइंट्स का मामला है, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल।
आप देखिए इसके अंदर कुछ कमी रह गई है। सर वी लॉक नाउ, आप कॉन्फिडेंट हैं? yes. इसका मतलब टीम बी ने अपना खाता खोल लिया है 90 पॉइंट से। इस प्रकार टीम ए के है 130 पॉइंट और टीम बी ने अपना खाता खोल करके सीधा 90 पॉइंट तक पहुंचा दिया है। अब आप जा सकती हैं। नेक्स्ट टीम ए सी, प्रियंवदा तिवारी, क्वेश्चन बॉक्स से। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 27 का। yes. क्या आप तैयार हैं? यस। क्वेश्चन नंबर 7, बिडिंग के लिए आप लोगों के मन थोड़ा रहता है। स्टार्ट द बिडिंग। 30 पॉइंट, 50 एक, 55 पॉइंट 1, 70 एक, 90 पॉइंट 1, 90 2 और 90 3। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस प्रकार का है। उपभोक्ता की आय 100 रुपए है, वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपए है और वस्तु वाई की कीमत 5 रुपए है। आपको एक बजट लाइन बनाना है। आय 100 रुपए, वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपए, वस्तु वाई की कीमत 5 रुपए। आपको एक बजट लाइन बनाना है। सर बजट रेखा, सर बजट लाइन बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। आपको बनाना है, बताना नहीं है। क्या मैं पेपर बना दूं? ऑफ कोर्स। और ये रहा, तो क्या ये डायग्राम ठीक बनाया है इन्होंने? तो इसका मतलब इस कौन सी टीम हाईएस्ट बिडर कौन है? टीम ए को कितने मार्क्स मिलने चाहिए? -90। वेरी गुड। तो बढ़ती हुई टीम को -90 पॉइंट दिए जाते हैं और इस प्रकार अब आपका स्कोर घटकर 110.5 हो गया है। 200.5 से एकदम से घटकर 110.5 हो गया है और जबकि टीम भी इस समय 190 पॉइंट पर स्टैंड कर रही है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन बोनस मार्क्स के लिए एक और अवसर आप सबको दिया जाता है कि आप चाहे तो अपने साथी द्वारा किए गए भूल को सुधार सकते हैं। आपको एक अवसर दिया जाएगा, कोई एक बच्चा आपस में डिस्कस करके खड़े हो सकता है और मुझे सही जवाब अगर उसे आता है तो दे सकता है, उसको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान रहे एक ही चांस मिलेगा टीम ए को, अन्यथा ये फिर बोनस मार्क्स दूसरी टीम की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यस, आइए। उपभोक्ता की आय 100 रुपए है, वस्तु एक्स की कीमत 10 रुपए है, वस्तु वाई की कीमत 5 रुपए है। एक बजट लाइन आपको बनाना है। बजट लाइन की क्वेश्चन होती है P1 x प्लस P2 y लेस और इक्वल टू y।
वाई यहाँ पे इनकम है, पी वन प्राइस ऑफ एक्स एंड पी टू प्राइस ऑफ वाई। दिए गए क्वेश्चन में वाई इक्वल टू 100 है, पी वन इक्वल टू 10 रुपीज, पी टू इज इक्वल टू 5 रुपीज। यदि उपभोक्ता अपनी पूरी इनकम वस्तु एक्स में खर्च करता है तो वह वस्तु एक्स की मात्र 100 बाई 10 इक्वल टू 10 यूनिट्स का उपभोग कर सकता है। इस स्थिति में संयोग जो होगा हमारा वो 10,0 होगा। इस संयोग को हम संयोग ए मान लेते हैं। परंतु यदि उपभोक्ता अपनी पूरी इनकम को वस्तु वाई पर खर्च करता है, इस स्थिति में उपभोक्ता 100 बाई 5 इक्वल टू 20 यूनिट्स का उपभोग कर सकता है। इस संयोग को हम बी मान लेते हैं, जिसमें एक्स का उपभोग 0 है और वाई का उपभोग 20 है। इसका प्रयोग करते हुए ये बजर लाइन ड्रॉ की गई है। क्या जवाब ठीक है? यस सर। पूरी तरह कन्विंस है? यस सर। तो इस प्रकार आयुष सोनी ने अपनी टीम को सही जवाब देकर एक बार पुनः स्थापित कर दिया है। जो 90 नंबर आपके माइनस में जा रहे थे वो अब प्लस 90 उसी राउंड में मिल गए हैं बोनस के कारण, और आपका किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। तो इस प्रकार टीम ए के 200.5 नंबर है और टीम बी 190 पॉइंट के साथ पीछे रह रही है। अब मैं टीम बी के कैप्टन आप जा सकते हैं। अब मैं टीम बी के कैप्टन से को इनवाइट करूंगा टू आई और पर्ची निकालें। सौरभ वर्मा आइए। आप इस बॉक्स में से अपने लिए एक पर्ची निकालिए, इधर से इधर आ जाइए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिला है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आप देना चाहेंगे? आपको मैं एक ऑप्शन दे सकता हूं कि अगर आप चाहें तो प्रश्न क्योंकि ना तो प्रश्न आपको पता है ना मुझे पता है, इस टेबल में है, क्लास में भी किसी को नहीं पता है, तो आप चाहें तो अभी भी अपना प्रश्न बदलवा सकते हैं। आप 2 का ही जवाब दें। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए विद रिस्पेक्ट टू सौरभ वर्मा बिगिंग स्टार्ट की जाती है। यस स्टार्ट 20 पॉइंट। साबास 50 पॉइंट। 50.1 50.1 65 1 70 100 100 100.1 100.2 100.3 पूरे 100 पॉइंट आपके ऊपर लगे हैं। और आपका प्रश्न नंबर 2 है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है? कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? सर 1 1। क्या आपका जवाब आपको लगता है ठीक है? लॉक कर दिया जाए? नो सर। आपको फिर एक मौका दिया जाए, बताइए। सर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगी तो एमयू 0 होगा। 0 होगा। आप लोगों के चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट नजर आ रही है। आपका जवाब बिल्कुल सही है और इस प्रकार पूरे 100 नंबर मास्टर सौरभ वर्मा के कारण टीम बी को मिलते हैं। और इसी प्रकार ये डिफरेंट राउंड्स तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपका पीरियड ना समाप्त हो जाए
या फिर 10 राउंड कंप्लीट होने के बाद आप लोग टीम ए या टीम बी में से कौन जीतता है इसका डिक्लेरेशन होता है। अब क्योंकि 35 मिनट हो चुके हैं, आपका पीरियड समाप्त हो चुका है, नए शिक्षक महोदय आने ही वाले होंगे, तो रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए। स्कोर बोर्ड पर नजर डालने से आप सबके सामने रिजल्ट स्वतः ही डिक्लेयर्ड है। टीम ए को मिले हैं 200.5 जबकि टीम बी को मिले हैं 290 पॉइंट। इस प्रकार कौन सी टीम जीतेगी? हालांकि टीम बी जीत रही है, परंतु मेहनत और प्रयत्न दोनों ही टीमों का बहुत ही सराहनीय है रहा, और अगर आप लोग इसी जोश के साथ इस एक्टिविटी को करते रहेंगे तो निश्चित है कि आप ना सिर्फ आपकी लर्निंग अच्छी होगी बल्कि आपका अचीवमेंट भी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।